प्यारे श्रोताओं, आपके बीच पेश करते हैं मोहित म्यूजिकल ग्रुप धतीर के द्वारा जिक्री के माध्यम से भवर ताल पर राजा नल की लड़ाई, जिसके लेखक हैं हमारे गुरुजी वे पिताजी स्वर्गीय श्री लेखराज पवार धतीर, और जिसको गाया है डॉक्टर कृष्ण पवार धतीर वे साथी कलाकार। आइएगा सुनते हैं बच्चे क्या बताते हैं। ए प्यारे सुमर श्री जगदीश गुरु कैसी सिनवा में, प्यारे सुमर श्री जगदीश गुरु कैसी सिनवा में, ए गुरु मुर्गा की बकशीश सभा में राग सुना में, गुरु मुर्गा की बकशीश सभा में राग सुना में, गुरु ईश्वर हो या को चेला गावे धतीर बतावे, गुरु ईश्वर हो या को चेला गावे धतीर बतावे, गुरु लेख राज किर लिखी लड़ाई नल की गावे, गुरु लेख राज की लिखी लड़ाई नल की गावे, सुनियो करके ध्यान घरे रह रहे हो कोई नल राजा रे बले। साथियों, मोहित म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा आज आपके सामने राजा नल की भंवर ताल की लड़ाई इस जिक्री के माध्यम से पेश की जाती है। आइए सुनिएगा किस प्रकार से। खा परगी नल राजा पे डोले मारे मारे, डोले मारे मारे रे हम पे डोले मारे मारे, रस्ता में एक तेली मिल गो जाते वचन उचारे, जाते वचन उचारे रे हम बे जाते वचन उचारे, दे दे तेले तनक सो भैया ज्यादा बदन खुजारे, ज्यादा बदन खुजारे रे हम बे ज्यादा बदन खुजारे, जा तेल दऊं सारे है जो मन में दे गयो गारे, मन में दे गयो गारे रे हम में जो मन में दे गयो गारे, दमियन ती मन भारो करगी नैनन नीर निकारे, माले लुटायो जिन हाथन ते अज वे ही हाथ पसारे, वेही हाथ पसारे रे हम में वेही हाथ पसारे, दे दियो तेले सोच तेली ने कोई है वे पिता के मारे, है वे पिता के मारे रे हम में कोई है वे पिता के मारे, है कुदरत के मेल है कुदरत के मेल, वा दिन सब दिन ते घनो कोई बिक्योर सवा ते।
मतिहारी तो साथियों आपके बीच में जब राजा नल पर 12 साल की औखा आ जाती है, विपत्ति आ जाती है और राजा नल जो कि आज रघुनंदन सेठ तेली के घर नौकरी कर रहा है और क्या होता है आगे, क्या हवाला दिया है गुरु महोदय ने। बाकी चिंता खारी रे सुन ली बाकी पन में स्वर ने खुशी हुई घर भारी रे ने न्यो तीर सिते दारी रे
लिखन में चिट्ठी दी भिजवाए सब राजा बुलवाए। पढ़ पढ़ के चिट्ठी सगरे भूप पिंगुल गड़ के धाए। पढ़ पढ़ के चिट्ठी सगरे भूप पिंगुल गड़ के धाए। चूचक को देने के सामान सिंधिया वाले लाए। चूचक को देने के सामान सिंधिया वाले लाए। पिंगुल में जुड़ रही भारी भीड़ सभी तमाशे आए। तो साथियों इस प्रकार राजा महाराजा बुद्ध राजा के वहां पहुंच जाते हैं और सकल समित के राजा भीम दमयंती के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर से सिंधिया के महाराज जो कि आज चूचक भरने आए हैं हाथी पर सवार होकर के आते हैं। अनेकों नेक तमाशे हो रहे हैं, पात्राएं नाच रही है और क्या होता है आगे क्या बताया है। तमाशो मुल्कन के राजा मोचन वाले। तमाशो मुल्कन के राजा मोचन वाले। तमाशो मुल्कन के राजा मोचन वाले। नाचत नाचत नाचन वारी बुध भाटी के भई है अगारी। जभी निकारी राजा के भूल गए जय जयकार। तमाशो मुल्कन के राजा मोचन वाले। तमाशो मुल्कन के राजा मोचन वाले। नाचन वारी वापस आई बाला सिंध ने पास बुलाई। पकराई राजा ते ऊपर बह गयो प्यारे। तमाशो मुल्कन के राजा मोचन वाले। तमाशो मुल्कन के राजा मोचन वाले। तो साथियों इस प्रकार राजा बुध एक मोहर देता है और सिंधिया का सरदार दो मोहर दे देता है। राजा बुद्ध का अपमान हुआ और मन में विचार करने लगा और क्या सोचने लगा है आगे क्या बताया है। मन में राजा ने ली ठान अभिमान मिटाऊं। राजा ने ली ठान अभिमान मिटाऊं। मन में आयो फौरन ज्ञान क्यों ना तेली है बुलवाऊं। मन में आयो फौरन ज्ञान क्यों ना तेली है बुलवाऊं। लिख दई चिट्ठी के दरम्यान जे यारी को परण निभाऊं। तोते कछु ना यार छिपाऊं। मेरी आज बिगड़ गई शान तोते कछु ना यार छिपाऊं। चिट्ठी पहुंची फुलवारे में आए।
पड़ रहो दुबकाए के बसाती गुस्सा मन में गयो थमाए के अरे तेली को बड़े पाती कहरो नलते न्यो मुस्काए के भारी और मेरे संग में चलियो भैया आई न्योत हमारी। इतनी बात सुनकर राजा नल रंगनंदन सेठ से क्या कहने लगता है, क्या बताया है आगे? ए नल कह रहे हो जना एक बार घर में आऊं नल कह रहे हो जनाब एक बार घर में आऊं नल कह रहे हो जनाब एक बार घर में आऊं ए बिन पूछे महाराज आते आना चाहूं बिन पूछे महाराज आते आना चाहूं बिन पूछे दुलारी नल में